डिस्कस करते हैं सीडीएस 2022 का हिस्ट्री का क्वेश्चन जो यूपीएससी ने इस बार पूछे थे। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे, जो डिफिकल्टी लेवल था इसका थोड़ा सा ज्यादा था। पहला क्वेश्चन है मनीग्राम और रणदेसी। इसका सही आंसर है गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट। यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है इसका, कहां से उठाया है क्वेश्चन, क्लासिक्स के एनसीईआरटी पेज नंबर 79 और 80। और अगला क्वेश्चन, द डच वेयर डिफीटेड बाय द मराठंडा वर्मा त्रवणकोर डिस्ट्रिक्ट इन द बैटल ऑफ। इसका आंसर कोलाचेल होगा, क्योंकि वर्णिवास जो हुआ था वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था, जिसको हम थर्ड कार्नेटिक वार बोलते हैं। रक्सई तंगड़ी, ये बैटल ऑफ तालीकोटा है, जो विजयनगर एम्पायर और डक्कन अलायंस के बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ पल्लौर, ये हुआ था चालुक्य किंग पुलकेशन टू और पल्लवा किंग। इसका सही आंसर कोलाचेल है। ये बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है ये। अगला क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारले भट्टा एंड द प्रभाकर बिलोंग्स। इसका सही आंसर है पूर्व मीमांसा। इसका जो सोर्स है वो मैंने ब्रिटेनिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है द तोलकप्पियम। तोलकप्पियम क्या है, वर्क ऑफ ग्रामर। इसका सोर्स है इंडियन एंशिएंट एंड पास्ट, आर एस शर्मा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द एंशिएंट महिष्मती लोकेटेड। 16 महाजनपदा में से इसमें से एक अवंती भी था, जो उज्जैन, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। नॉर्दर्न पार्ट में उज्जैन था और साउथर्न पार्ट में महिष्मती था, जो नर्मदा नदी के किनारे था। इसका भी सोर्स ये एंशिएंट इंडिया और पास्ट, आर एस शर्मा की बुक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ मुंजानिक इन ए मेडिवल पीरियड। अब इसका बहुत सारे सोर्स में इसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर है, तो इसका आंसर ओरिजिनल पता नहीं चला। बस इसका आंसर गन कैरेज है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट गन कैरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, जिसमें से लिटरेरी वर्क है और एक ऑथर है, तो इसका आंसर सी है, जो दत्ता घटोत्कच है वो भाषा ने लिखा है। मृच कटिकम जो है शुद्राक्ष है, कीर्ति अर्जुनम है भारवी, और रावण वधा है भाटी। इसका कुछ सोर्स है यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में है, जो हिंदी की बुक है एनसीईआरटी की क्लास 12 की, वहां से मैंने इसे लिया है। ये कुछ कीर्ति अर्जुन के बारे में है, इसको स्कैन करके आप बुक डाउनलोड कर सकते। यहाँ पे कुछ ग्रंथ के नाम दिए हैं जो आने वाले एग्जाम में हो सकता है तो इम्पोर्टेंट हो, इसको आप सेव कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फाउट इन द अर्लियर वैदिक पीरियड। ये पहले भी पीवाईक्यू रह चुका है। इसका सही आंसर है परुस्नी नदी। इसका सोर्स है इंडियन एंशिएंट एंड पास्ट, आर एस शर्मा बुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, द बंगाल फेमाइन इन 1769 एंड 1770 वाज द वोसन बाई, मतलब किससे ज्यादा ये अफेक्टेड हुआ था। तो हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन, ये एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में मिल जाएगा, क्लास 8 की एनसीईआरटी में, यहाँ पे आपको दिया टेरिबल फॉग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष। इसका सही आंसर है मंजू श्री मुल्क कल्पा, ये अश्वघोष का वर्क नहीं है, तो ये आंसर इसका सही। इसका भी सोर्स जो है एंशिएंट इंडिया पास्ट, आर एस शर्मा द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चरवाका स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसका भी सोर्स आर एस शर्मा है, इंडियन एंशिएंट एंड पास्ट। इसमें यहाँ पे आप वशिष्का सिस्टम आप देख सकते हैं, वशिष्का सिस्टम एडवांस द मेटरलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। तो इसका वशिष्का जो मिलता है चरवाका से, इससे आप ऑप्शन सी पिक कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज
मरुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर सी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरा। ये आपको एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं मिलता। वैसे अगर एरा की बात करें तो मेसोजोनिक एरा है, यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो शुरू हो गया था, तो इसलिए इसका आंसर मेसोजोनिक एरा हो सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की में क्या इसका आंसर रहेगा वो देखने की बात है, लेकिन जो सोर्स जो फॉलो किए हैं एनसीईआरटी वगैरह उसमें आप मेसोजोनिक एरा देख सकते हैं, उसमें एक्वेटिक लाइफ जो है वो शुरू हो गया था मेसोजोनिक एरा। अगला है, ड्यूरिंग द 18th से 14th सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट में मुसलमानों को क्या डिनोट किया जाता था, तो इसका आंसर है ए, जो यहाँ पे डिनोट किया गया है ये 5.3 नेम ऑफ द कम्युनिटीज में। तुर्किस को कहा जाता था तुर्सुका, तजिका को कहा जाता था, तजिकिस्तान के जो लोग थे उनको तजिका कहा जाता था, और जो पर्शियन के थे पारशिका कहा जाता था। तो यहाँ पे ये इसका आंसर ए सही है। ये थीम टू है चैप्टर भक्ति एंड सूफी, क्लास 12 के एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है, इन द सिटाडल एंड द लोअर टाउन एरिया ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी हैविंग सेवरल लार्ज सिस्टर्न इन द रिजर्वेयर बीन फाउंड। तो ये मोहनजोदाड़ो है, इसका भी सोर्स जो है आर एस शर्मा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन दिया हुआ है, और ग्रेट बाथ, लार्ज टैंक जो ये थे मोहनजोदाड़ो में थे। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैवलरी वॉरफेयर इन इंडिया। अब कैवलरी वॉरफेयर, अगर आपने कभी कैवलरी मैन को देखा होगा तो इससे आप इजिली पिक कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एम एट। अब क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश की अफगानिस्तान के सामने, तो स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान एज ए बफर अगेंस्ट रशिया, वेकनिंग रशिया इन्फ्लुएंस इन द अफगानिस्तान बट नॉट प्रोमोटिंग ए स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान आइदर, प्रोमोटिंग रशिया इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान टू कंट्रोल इंसर्जेंट ट्राइबल लीडर, एनेक्सिंग अफगानिस्तान एज ए डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी। अगर इसका हम एनसीईआरटी में देखें, क्लास 7 के एनसीईआरटी में, तो 1810 में जो कंपनी था वो रशिया से वरीड था, परेशान था, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था रशिया में, रशिया से उनका अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। उसी को देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया, सिक्योर करने के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल किया, उन्होंने वॉर लड़ी अफगानिस्तान के 1838 और 1841, एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। तो उन्होंने क्या किया, एनेक्सिंग अफगानिस्तान एज ए डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश टेरिटरी, स्ट्रेंथिंग अफगानिस्तान एज ए बफर जोन अगेंस्ट रशिया। तो उन्होंने रशिया के अगेंस्ट में अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाई, तो इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अब्सॉर्ब्ड पावर इन द कन्याकुभुजा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। इसका जो मॉडर्न नाम है वो कन्नौज है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो रायन था, डायनेस्टी था, वो कन्नौज था, उनका जो कैपिटल था वो कन्नौज था। उनको उनके डेथ के बाद अरुण सभा ने ओवरटेक किया था, और शशांक जो थे इनके बारे में शैवते किंग थे जिन्होंने बोधिट्री को गिराया था। तो इसका जिक्र हमें एक बुक है, चाइना 3000 ईयर ऑफ हिस्ट्री 50 ईयर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे उन्होंने हर्षवर्धन को के राइन को ओवरटेक किया था और उनकी गद्दी पे बैठे थे कुछ टाइम के लिए। अरुसभा के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ सकते हैं। द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन, ये भगवत पुराण में दिया हुआ है, जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनते हैं जिसमें अवतार लिया था विष्णु ने, तो ये भगवत पुराण में इसकी जिक्र है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इशू ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट। अगेन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर स्त्री धन वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं, विदाउट द हस्बैंड परमिशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वुमेन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज वर्कर इन द स्ट्राइक इन 1920। इसका आंसर प्रभावती देव है, जो जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी, इनका जन्म 1906 में हुआ था, और ये तीनों जो हैं
ये उन 1920 से रिलेटेड है, जो वोमेन लेवर लीडर थी और उषाबाई दांगे, इन्होंने फाउंडेशन रखा था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ फेमिन। इसका सही आंसर है कौटिल्य। इसका सोर्स यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं।